कांग्रेस के कल 43 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट आ चुकी है जिसमें उम्मीदवार तय किए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में भी जो हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र है उससे चौधरी विनोद कुमार को एक बार फिर से मौका दिया गया। चौधरी विनोद कुमार सीटिंग MLA है। अब इन्हीं से जान लेते हैं, हमारे साथ चौधरी विनोद कुमार विधायक है यहाँ के, इनसे जान लेते हैं भी जिस प्रकार से पार्टी ने आप पे एक बार फिर से भरोसा जताया और एक बार आपको फिर से मैदान में उतारा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं तो यही कहूँगा, अभी हाईकमांड और मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पे 7वीं बार भरोसा जताया है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनके भरोसे पर हम खरे उतरें। और जनता भी बहुत खुश है, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो आम आदमी के फायदे वाली हैं और आज तक इस तरह की योजनाएं कभी नहीं हुई। गरीब से हर वर्ग के लिए अलग अलग स्कीमें हैं, उसका पार्टी को फायदा मिलेगा। अभी हम सभी गांवों के अंदर हम जाके आए हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है और अब की दफ़ा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नाम पर राजस्थान में वोट मिलेंगे, लोग खुश हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो है वो रिपीट होगी, यहाँ से हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के जाएगा। जैसे कि CM अशोक गहलोत भी बार बार अपनी बात ये कहते रहे हैं अभी कांग्रेस एक बार फिर से रिपीट होगी, यही बात आपने कही है, क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें अब की बार ले पाएगी और सरकार जो बनाने में कामयाब होगी? नहीं, जिस तरह के हालात हैं मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत अच्छी मार्जिन से हम जीतेंगे। अब कितने का तो कोई लगभग कह नहीं सकते, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कांग्रेस की क्लियर मेजोरिटी आएगी और अच्छे वोटों से सरकार बनेगी, क्योंकि इनके जो कार्यक्रम हैं वो बहुत अच्छे हैं, ना तो सरकार के खिलाफ कोई है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ जो हमारे आज तक के 76 सीटों का जो इन्होंने ऐलान किया है सब लोग संतुष्ट हैं। जिस तरह से BJP है तो वहाँ हर सीट पर झगड़ा हो रहा है, तो ये एक संकेत है कि लोग खुश हैं, कैंडिडेटों से भी खुश है, ना तो कैंडिडेट के खिलाफ कोई बगावत की बात है और ना सरकार के खिलाफ है, तो निश्चित तौर से सरकार कांग्रेस की बनेगी। और ये जो जिस पार्टी में ये विरोध उभरता है तो हर आदमी कुछ न कुछ बहाना लेके ही अलग होना चाहता है, तो वो कैंडिडेट का कोई विरोध कर देता है, कोई सरकार का, कोई काम का। तो मैं समझता हूँ भी लोगों का रुझान अच्छा है, लोग खुश हैं, लोग संतुष्ट हैं। खुद की जीत को लेकर कितना शोर है, क्या एक बार फिर से आप जीत पाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर से जीतेंगे, हमने इतने काम किए हैं, आज हनुमानगढ़ के अंदर और जयपुर में कोई अंतर नहीं है। जिस चीज़ की हमने कभी कल्पना नहीं की थी वो चीज़ आज धरती पे आ गई साहब। मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ 300 बेड का हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ITI है, डाइट है, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की वो चीज़ें हम धरती पे आ गई है। मुख्यमंत्री जी की एक खासियत है कि ये जो घोषणाएं करते हैं ये थोथी घोषणाएं नहीं है, वो धरातल पे आती हैं। इन्होंने खाड़ों के लिए पैसे दिए, वो खाड़े बनने शुरू हो गए, सड़कों के पैसे दिए हमें 10-10 करोड़ रुपए, आज कोई गांव वंचित नहीं है सड़कों से। तो इनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, इस बात का लोगों को विश्वास है कि जी मुख्यमंत्री जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो मांगते हैं वो देते हैं। तो लगता है आपको योजनाओं के दम पर, जिस प्रकार से CM अशोक गहलोत भी कई बार कह चुके हैं भी जो हमारी योजनाएं हैं वो काफ़ी कल्याणकारी हैं, उनके दम पर हम दोबारा रिपीट करेंगे, आपको लगता है योजनाओं के दम पर रिपीट? बिल्कुल, योजनाओं के, मैं सारी विधानसभा में गया हूं और हमें कहीं भी शिकायत नहीं मिली, तो इसका मतलब अभी लोग संतुष्ट हैं। वरना क्या है साहब, चुनाव के आखिरी साल में तो लोग कपड़े फाड़ने लग जाते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, सब संतुष्ट हैं, कोई दुख नहीं है। 8 रुपये के अंदर इंदिरा रसोई, कल्पना नहीं कर सकते आप 8 रुपये में सब्जी है, दाल है, अच्छे फुलके हैं, टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बनाने वाले अलग हैं। तो मैं समझता हूँ भी किसी चीज़ कमी नहीं, 25 लाख रुपए का सब इलाज मुफ्त, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 500 तो घुटने तो हमारे हनुमानगढ़ में बदला लिए साहब, एक पैसा नहीं लगा। हॉस्पिटल में जाओ कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ न कुछ वहाँ से लेके आते हैं हम। इस तरह की सुविधा, पशु लंपी बीमारी मर गए 40-40 हज़ार रुपये उनके दे रहे हैं, पेंशन जो है न्यूनतम वो 1,000 रुपये कर दी, गैस सिलेंडर जो 1,150 में था वो 500 रुपये में कर दिया, तो कोई कमी नहीं छोड़ी। हर वर्ग के लिए बिजली फ्री कर दी, किसानों को 100 यूनिट तो आम आदमी के लिए फ्री है घर की, और किसानों को ट्यूबवेल के लिए 2,000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। मैं समझता हूँ सभी संतुष्ट हैं, सरकार की से कोई किसी की नाराज़गी नहीं है। पैसा जीत के आने के बाद क्या कोई ऐसे काम है जो हनुमानगढ़ के लिए आपको याद हो, जो आप करवाने बाकी रह गए, अब करवाने का प्रयास करेंगे? काम तो मुझे जनता से ही पूछने पड़ेंगे, हमें तो लगता है बड़े बड़े काम सारे हो गए,
जो कुछ छोटे मोटे है जैसे सीवरेज हमारे नहीं डला अभी तक, तो सीवरेज का है कोई पानी की व्यवस्था है वो अगर अच्छी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई कमी नहीं रहेगी। बड़े बड़े काम तो लगभग हो चुके हैं, अब हमारे अंडरपास हैं वो बन गए हैं, हनुमानगढ़ पहला शहर होगा जो फटक रहित होगा सब, अब हमारे गंगानगर पर अंडरपास बन गया, सूरतगढ़ पर बनने के लिए ब्लॉक बन रहे हैं 20 करोड़ रुपया उसका मंजूर हुआ पड़ा है, जितनी हमारी मंजूरी है बिल्डिंग है सबका पैसा आ गया है, 15 करोड़ रुपया आपके एग्रीकल्चर कॉलेज का आ गया वो बन रही है, गर्ल कॉलेज बनकर की बिल्डिंग तैयार है, नर्सिंग कॉलेज बन रहा है, टाउन हॉल हमारे 35 करोड़ रुपए के लागे से वो बन रहा है, 25 करोड़ का मिनी फूड पार्क है, कोई कमी नहीं है काम की, यूथ हॉस्टल है, नशा मुक्ति केंद्र है सरकारी वो यहाँ खुलेगा, तो मैं समझता हूँ भी लोग खुश हैं, कोई व्यक्तिगत कोई किसी से नाराज हो तो मैं कह नहीं सकता सर। जैसे भाजपा के समय में स्पिनिंग मिल बंद हुई थी, आपकी सरकार ने वापस चालू करवाने की घोषणा की, तो इसको लेकर क्या कुछ कहें? उसके लिए सरकार ने 35 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं, एक सर्वे एजेंसी को देंगे, जो सर्वे टीम आएगी वो जांच करेगी भी इन मशीनों को कैसे चलाया जा सकता है, इनको नई लानी पड़ेगी, इनकी रिपेयर हो सकती है, किन किन चीज़ों की यहाँ है वो इसकी एक रिपोर्ट देंगी, उसके बाद में मिल चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया वो तो होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, तो मैं समझता हूँ भी अगर नहीं करना होता तो 35 लाख रुपये हम क्यों खर्च करते, उसके क्यों जांच की जरूरत क्या थी, सर्वे की कोई जरूरत नहीं थी, तो मैं समझता हूँ भी जो काम उन्होंने कहा वो करेंगे निश्चित तौर से। ये थे चौधरी विनोद कुमार जो सिटिंग MLA भी है और एक बार कांग्रेस ने फिर से इन्हें प्रत्याशी बनाया। इन्होंने साफ तौर पर कहा भी कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, इनका कहना है कि इन योजनाओं के दम पर कांग्रेस रिपीट करेगी। इन्हीं के साथ हनुमानगढ़ की एक मुख्य मुद्दा जो स्पिनिंग मिल काफ़ी चला था इसको लेकर भी इन्होंने कहा भी 35 लाख रुपये मंजूर सर्वे के हो चुके हैं, कंपनियाँ काम करना शुरू कर चुकी है और अगर रिपीट करती है सरकार तो ये स्पिनिंग मिल भी फिर से चालू हो जाएगी, यानी लोगों को ये स्पिनिंग मिल चालू नजर आएगी। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज़।